पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक होटल में चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच के यूनिट 5 के दल ने की है। आरोपियों के पास से 3 चौपहिया, 2 दोपहिया वाहन समेत करीब 19,58,750 रुपयों के माल को बरामद किया गया है। कोराडी पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक होटल में चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 10 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच के यूनिट 5 के दल ने की थी। आरोपियों के पास से 3 चौपहिया, 2 दुपहिया वाहन समेत करीब 19,58,750 रुपए के माल को बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी आरोपी कोराडी रोड से लगे NDH 47 होटल के रूम नंबर 205 में ताश पत्तों के ऊपर जुआ खेल रहे थे। इसके गोपनीय जानकारी पुलिस को मिली। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मार कार्रवाई की। बरोबर है, कोराडी रोड ला एक NDH 47 या नावाचं हॉटेल आहे। तर ते सध्या आरोपी नंबर 10 जो आहे नरेंद्र सिंग नानक सिंग दिगवा हे चालवत आहेत। तर आमच्या युनिट 5 माहिती भेटली की सदर हॉटेलमध्ये एका रूममध्ये मोठ्या प्रमाणावर जुगार खेळला जातोय। मग आमचे API मुलाने आणि त्यांची टीम पाठवली, बातमीची खात्री केली, बातमी खरी होती। मग पंचायत समक्ष आपण तिथं रेड केली। रेडमध्ये मालक सहित टोटल 10 आरोपी आपल्याला मिळून आले आणि 10 आरोपी हे जुवा खेळत होते, पत्त्यांचा 3 पत्ती। तर त्याच्यात आपल्याला रोकडा जे आहे ते 73,150 आणि 7,000 डावामध्ये लावलेले, 52 पत्त्यांचा 2 कॅट आणि 8 मोबाईल, तसेच 3 चाकी व 4 चाकी अशा गाड्या मिळालेल्या आहेत। एकूण मुद्देमाल आपल्याला भेटला होता 19,58,750 रुपयाचा। तर याच्यातले बरेच जे आहेत ते व्यापारी वर्गातले लोक आहेत। रविवार होता म्हणून त्यांनी तिथं जुवा भरवलेला होता। आपल्याला बातमी भेटली तर कारवाई आपण केलेली। पकड़े गए सभी आरोपी नागपुर निवासी बताए जा रहे हैं। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।